हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकहाउंगा। लेकिन आज आपको दिखाने वाले हैं कि क्या आप रियलमी C2 के ऊपर पबजी न्यू स्टेट खेल पाएंगे या फिर नहीं। तो आंसर में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, कि आंसर है कि आप ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसका गेम प्ले कुछ इस प्रकार से आया है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ट्राई कर सकते हैं पबजी न्यू स्टेट। लेकिन अगर आप एक प्रो प्लेयर है तो आप इसमें नहीं खेल पाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर पबजी न्यू स्टेट चला, गेम थोड़े बहुत मैं खेल पाया, वही मुझे शौक लगा बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ए रियल में C2 3 GB वाला रैम और 32 GB वाला इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, ये वाला मेरे पास जो है। और ये वाला एंड्रॉयड 10 और रियलमी UI 1.0 का वर्सन है, उसके ऊपर ही हम पबजी न्यू स्टेट ट्राई करने वाले हैं और आपको खेल कर दिखाएँगे कि किस किस तरह से आपको गेम प्ले एक्चुअली नज़र आएगा। लेकिन आंसर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप बस ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पबजी न्यू स्टेट एक बार खेल कर देखना है रियलमी C2 के ऊपर। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये रियलमी C2 ही है और ये एंड्रॉयड 10 और रियलमी UI 1.0 के ऊपर चल रहा है वर्सन ऑन का। और इधर आप देख ही सकते हैं कि ये 32 GB वाला इंटरनल स्टोरेज है, तो आप इधर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 3 GB वाला रैम और 32 GB वाला इंटरनल स्टोरेज है और इसके ऊपर ही हम पबजी न्यू स्टेट खेलेंगे। तो मैंने इसको मिनिमाइज़ करके रखा है ताकि ये फटाफट ऑन हो जाए, तो ये ऑन हो चुका है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने स्टार्ट किया और इससे पहले भी मैंने खेला है एक दो बार, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट सेटिंग पर एक बार खेल कर दिखा था कि कैसे एक्सपीरियंस आता है। मैच फाउंड हो चुका है और लोडिंग होने में बहुत ही टाइम लगता है, तो मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ। आप इधर देख सकते हैं ग्राफिक्स वगैरह, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। साउंड थोड़ा बढ़ा देते हैं,
देखिए पहले